स्वैप टू नंबर्स का प्रोग्राम करेंगे कोटलिन में। तो मेन फंक्शन लेंगे, उसमें एक वेरिएबल लेंगे फर्स्ट, उसमें स्टोर करेंगे 10। सेकंड वेरिएबल लेंगे, उसमें स्टोर करेंगे 20। अभी हमें फर्स्ट को 20 करना है और सेकंड को 10 करना है। तो जो भी ओरिजिनल वैल्यूज़ है उसको हम आउटपुट में पहले प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो लॉजिक के ऊपर आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, मीन्स 10 माइनस 20 जो होगा -10। सेकेंड में हम क्या स्टोर करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट है -10 प्लस 20 वो होगा 10, और फर्स्ट में वापस हम स्टोर करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट जो कि होगा 10 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस, उसकी वैल्यू 20 होगी। अभी जो भी अपडेटेड वैल्यूज है उसको हम आउटपुट में प्रिंट कर लेते हैं। ओके, उसको रन करते हैं। ओके, आउटपुट देखो, अभी फर्स्ट 10 था जो अभी 20 है, और सेकंड 20 था जो अभी 10। अभी यूजिंग टेम्प्रेरी वेरिएबल करेंगे जो कि बिल्कुल ईजी है। तो ओरिजिनल वैल्यूज प्रिंट कर लिया, एक टेम्प वेरिएबल ले लिया, उसमें फर्स्ट स्टोर कर दिया जो कि होगा 10। फर्स्ट में सेकंड करेंगे जो होगा 20, और सेकंड में फर्स्ट करेंगे जो होगा 10। तो जो आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट कर लेते हैं सेकंड, और उसको प्रिंट करेंगे फर्स्ट इक्वल 10 था जो अभी 20 है, सेकंड 20 था जो अभी 10 है। यूजिंग टेम्प वेरिएबल तो ईजी है, लेकिन इंटरव्यू में तो ज़्यादातर विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल ही पूछते हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू।